हेलो दोस्तों जी, मोबाइल रिपेयर में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, रियलमी C2 इसमें ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड आने का प्रॉब्लम है। जैसे कि देख सकते हैं, ये फ़ोन जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो ये रिकवरी मोड में ऑटोमेटिकली ये चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मेरे इस चैनल पर आप नए तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें। देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली मतलब ये रिकवरी मोड में चला गया। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना है, कैसे इसको ठीक करें, वो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप जुड़े हुए रहे तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मुझे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फ़ोन को हम बंद कर लेते हैं। ध्यान से देखिए स्टेप बाय स्टेप, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि इसका प्रॉब्लम कहाँ से आता है और कैसे इसको ठीक करना है। ठीक है, तो फ़ोन को हम खोल लेते हैं। जैसे देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद बैटरी वाला क्लिप को यहाँ से निकालने के बाद अब ध्यान देखिए कैसे हम चेक करते हैं इसको कि ये कहाँ, क्योंकि ये ज़्यादातर यानी प्रॉब्लम आता है ये पावर पत्ता जो होता है उससे ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करना है हमको कि ये पावर पत्ता जहाँ पे टच ये करता है वहाँ से फ्रेम से बोर्ड को थोड़ा हटा दें, और यानी चिमटा के माध्यम से ये शॉर्ट करके डायरेक्टली ये फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हैं ये फ्रेम से अलग है, बोर्ड बिल्कुल सटा हुआ नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये फ़ोन स्टार्ट हो पा रहा है या नहीं, या रिकवरी मोड में ये फंस रहा है। जैसे आप देख सकते हैं ये फ़ोन स्टार्ट हो रहा है, रिकवरी मोड में बिल्कुल भी नहीं फंसा। तो यहाँ से ये कन्फर्म हो रहा है कि ये प्रॉब्लम जो है ये पत्ता से है। ठीक है, तो कैसे आपको ये सही करना है वो इस वीडियो में आप देखें कि कैसे हम एकदम आसान तरीके से इसको हम सही करते हैं। ठीक है, बोर्ड को हम यहाँ से किनारे कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये पत्ता को हम पहले निकालते हैं, और आपके पास ये पत्ता अवेलेबल है नया या तो फिर आपके पास बोर्ड है तो वो डायरेक्टली आप रिप्लेस कर लें, डायरेक्टली वो चेंज कर लें। और नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पे ऑप्शन है कि ये जो बटन होता है ये अलग से मिलता है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर वो टिकली जो होता है उसको वहाँ से निकालने के बाद मतलब स्क्रेच करके साफ करके लगाने से भी ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये अवेलेबल है। हम इसको हम चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हैं हम यहाँ पे हम चेंज कर लिए। अब हम स्टार्ट करके हम चेक करके आपको दिखाते हैं ये प्रॉब्लम सही हुआ या नहीं हुआ। अब फोन को हम करते हैं स्टार्ट। देख सकते हैं ये पत्ता को हम डायरेक्टली ये कंप्लीट चेंज कर दिए। मेरे पास अवेलेबल था ये बोर्ड था, उससे निकाल के हम यहाँ पे लगा दिए, और देख सकते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो चुका है क्योंकि ये फ़ोन पूरा ये ओपन हो रहा है। ठीक है, अब देख सकते हैं ये फ़ोन आपका स्टार्ट भी हो गया।